मौजे सामईन, मैं दो तीन बात करने आ रहा था कि जैसा कि अजहर साहब ने फरमाया 1941 में जमात इस्लामी का एजेंडा शुरू हुआ था, फिर 1948 में ओरिजिनल फाउंडेशन हुआ, तो जमात इस्लामी 40s में थी, आज उससे 10 गुना ज्यादा हो गई है। उस वक्त हम अंग्रेजों के खिलाफ फाइट कर रहे थे, हिंदूज और मुसलमान सब मिल के, मगर आज मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की फाइट हो गई है। आज देखिए पूरे हर शहर में एवरी डे लिंचिंग हो रही है मुसलमानों की। एक मॉब जो भेड़ियों की शक्ल में अपने आप को समझ लेता है, टाइगर है या शेर है या बबर है, वैसा हो रहा है। ये उनका फ्रस्ट्रेशन ही है, हमारा नहीं है। आज अगर हम, क्योंकि 2025 से 1935 तक हमारे वास्ते बहुत आजमाइश का वक्त आने वाला है, खासतौर पर मुसलमान, इसमें हम लोगों को मसले से रहना है और हम लोग को सुलह हुदैबिया को लेकर चलना है। बगैर सुलह हुदैबिया को हम भी इमोशनल हो जाएंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देने से कुछ नहीं मिलने वाला है, मैं समझता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़के लड़कियाँ भी हैं। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है जमात इस्लामी के यूथ विंग से, GIO या SIO के, देखिए आप आज जो भी मोदी साहब या BJP RSS जीत रही है वो सोशल मीडिया की वजह से जीत रही है, हम उसके विक्टिम बने हैं। सोशल मीडिया तीन किस्म से विक्टिम बने हैं, एक तो ये है कि आज ट्विटर पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, गूगल पे जाइए, हर जगह भक्ता बैठे रहे, और हमारे से एक कोताही हो रही है, हम जो समझ में आया गाली गलौज कमेंट करते हैं। ये लास्ट 8-10 साल से चल रहा था ये किस्सा, पर लास्ट 1.5-2 साल से मुसलमान होशियार हो गया, ये गाली गलौज के कमेंट्स नहीं कर रहा, मगर आज ये हो रहा है कि मुसलमानों के नाम लेके वो भक्तन कमेंट कर रहे हैं। उसके अगेंस्ट हमारी क्या स्ट्रैटेजी है? हमारी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। आप देखिए, आप अगर कोई आपके खिलाफ जुर्म होता है तो आप FIR फाइल करे तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं शुरू होती है, वैसा ही हमारे पास सोशल मीडिया पे वेपन्स है, उसको आप अगर वेपन्स में हम यूज़ करना शुरू करें, ठीक है, गाली देना, मुसलमान गाली दो, हिंदू गाली दो, वो एक गाली देने के बराबर है, अगर मुसलमान भी गाली दे रहा तो वो मेरा भाई है, गाली के ये गाली गलौज एंटी इस्लाम या एंटी हिंदुज़म। बहुत सारे आज कमेंट करते हैं नॉन मुस्लिम्स मुसलमानों के नाम से सोशल मीडिया पर, और जो पढ़ने वाला है ये सोचता है वो मेजॉरिटी तो हिंदूज है, वो यही सोचते हैं कि मुसलमान कमेंट कर रहे हैं, देखो मोदी आ गया, योगी आ गया, उसके बावजूद भी ये लोग सुधरे थे। तो हमारे को रिपोर्ट करना शुरू करना पड़ेगा, गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के भी लड़कियाँ लड़के हैं और SIO के भी लड़के लड़कियाँ हैं। आप जब कमेंट करेंगे तो वो कमेंट कैसा होगा? FIR इन कंपनीज को सत्या FIR डाले, वैसा ये कमेंट को आप निकालो, ये कमेंट एंटी इस्लाम है, ये कमेंट एंटी हिंदुइज्म है, या ये कमेंट एंटी इंडिया है, ये कमेंट एंटी मोदी है, जो भी है, हम अगर वहाँ पे ये रोकना चाहेंगे तो सोशल मीडिया ये सब नफरत के दंगों से पाक हो जाएगा, और ख़ास तौर पे हमारे नौजवान लड़के लड़कियाँ कर सकते हैं। दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि हम जो आज इस माहौल में है, लिंचिंग हो रही है, टीस्टा शीतलवाद से एक बार बात की थी, तो टीस्टा से मैंने पूछा कि ज़ाहरा शेख को आप घर में ला के रख लिए थे, पर क्या हुआ ज़ाहरा शेख का? 3 साल टीस्टा के घर में रहती थी, बेस्ट बेकरी केस में उसके घर वालों का रेप हुआ, बेकरी को जला दिया, हर घर में हर जितना जुल्म हो सकता था हुआ, एंड ऑफ द डे टीस्टा जाके BJP और RSS जहाँ पे भी लिंचिंग हो रही है, हम लोग एक 2-3 साल से कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे भी लिंचिंग हो रही है वो उनके घर वालों का अकाउंट, ना कि सियासत का अकाउंट, उनके घर वालों का अकाउंट खोल देते हैं, रिक्वेस्ट ये करते हैं कि 300-500 रुपये पर हेड डालिए। शुरू में तो ज़्यादा रिक्वेस्ट करते थे, 1000-5000 डालिए,
एक हमारे पास एक लड़का है आके आइडिया दिया, अगर आप लोग 5,000 दावों को लेंगे तो कल के दिन लोग बेजार हो जाएंगे, ना फोन उठाएंगे ना ईमेल उठाएंगे आपका। तो ठीक है, क्या करेंगे? तो फिर 300 रुपये 500 रुपये दाएंगे। अगर आप हिंदुस्तान के एक ऑटो ड्राइवर, प्लम्बर, कारपेंटर, गरीब से गरीब को भी अगर फॉर्म का दर्द है तो उसके वास्ते 300 रुपये डालना कोई बड़ी बात नहीं है। उसको अगर 3,000 डालो बोले तो लाख में एक भी नहीं आएगा, 300 से 500 डाल दो ना ये गरीब। होता क्या है, ये जब 300-500 अगर 10,000 लोगों में से 5,000 लोग भी उनका जमीर जाग गया बोले तो 15 लाख रुपये जमा हो जाते। खुद इसका अहम हिस्सा ये है कि जब 15 लाख किसी के आज खुदा नखास्ता मेरे घर में लिंचिंग होती है, मैं ब्रेड विनर हूँ, मैं कमाने वाला हूँ घर का, तो होता क्या है कल से बच्चे स्कूल नहीं जाते, कल से चूल्हा जलना मुश्किल हो जाता, वो औरत को या बीवी को हाथ भीख मांगना पड़ता है। उसकी वजह से ना वो वकील ठहरा सकती है, उसकी वजह से ना वो विटनेस को ला सकती है, उसकी वजह से ना उन्हें कोर्ट को जा सकती है। कोर्ट में भी एक दो दिन में नहीं होता है मामला, सालों चलते हैं। गुजरात राइट्स के आज तक केसेस चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। झारखंड में ऐसी लिंचिंग हुई, 11 केसेस को हम लोग अकाउंट्स खोल के डाले, 7 केसेस में 2 साल के अंदर कन्विक्शन आया। जब ये भेड़ियों को, भेड़िए जो शक्ल में है शेर बबर की, जब ये समझते हैं एक भीड़ में आके हुजूम में आके मारेंगे, जब वो जब जेल में जाएंगे ना तो उसकी वजह से हजारों लोग डरेंगे। अगर हम ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करें कि सोशल मीडिया में कंट्रोल करो, एक हमारे बच्चों को बेफजूल कमेंट, खराब कमेंट, फहाश कमेंट अगर छोड़ना छोड़ दिए लड़के, आपके अगर ये ग्रुप में अगर 100 बच्चे हैं, यहाँ से 100 बच्चे रोज 10 मिनट आप स्पेंड करें, सिर्फ 10 मिनट, 10 मिनट में आप, ये लिमिटेड साइट्स हैं, साइट्स में जाके कमेंट्स करिए, रिपोर्ट कर दीजिए, ये कमेंट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द सोशल मीडिया। आपका कोई काम नहीं है, सिर्फ रिपोर्ट करना है, उसके बाद द बॉल गोज इन टू द हैंड्स ऑफ द कंपनी, कंपनी हैज टू टेक एक्शन। FIR के वैसा है, वो पुलिस स्टेशन में जाके FIR डाल रहे। बस मैं बात को बहुत करना चाहता था मगर टाइम नहीं है, तो इंशाल्लाह जज़ाकअल्लाह, थैंक यू।